तो आज लखनऊ का टूर चल रहा है, बहुत छोटा टूर है। तो एक दो जगह पे जाना हो, जिसमें से एक हमको मिलना हो गुड्डू काइट सेंटर से। कुछ आप तरीके से ये बोर्ड देख सकते हैं गुड्डू काइट सेंटर का, आपके सामने लगा हुआ है। और उसके बाद ये चौपटिया पे शॉप है, ये गुड्डू भाई की शॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं गुड्डू भाई के पास अंदर, तो गुड्डू भाई से मिलवाएंगे अंदर चल के। ये सामने हमारे सलीम बनारसी जी खड़े हैं और साथ में हमारे गुड्डू भाई। तो चलते हैं आगे अंदर, चलते हैं मिलवाते हैं आपको गुड्डू भाई से। तो दोस्तों, जैसे बताया था कि लखनऊ आने के बाद तो मिलना हुआ हमारा गुड्डू भैया से, तो यहाँ पे जैसे गुड्डू भैया बात करें सलीम भाई से, तो चलते हैं गुड्डू भैया के पास। गुड्डू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। काफ़ी टाइम से पेंडिंग था कि लखनऊ आना, आप लोगों से मिलना, तो आज हो गया वापस लखनऊ। तो कैसे हैं आप? ठीक है, ओके। तो अभी आप गेम लड़ा के आ रहे हैं मेरे ख्याल से? शायद गेम लड़ा के नहीं आ रहे, गए थे जरा गेम के मैदान पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा आज का दिन आपका? और लेट हो गया, हमारी टीम ने 1-8 काटे। ओके, 1-7 काटे। तो क्या क्लब का नाम क्या आपका? मून काइट क्लब। मून काइट क्लब, ओके। तो दादा, ये आपकी पूरी दादा की शॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब सामान रखा हुआ है, यहाँ पे सब चरखियाँ रखी हुई है, यहाँ पे आप ये देखिए। तो जनाब, कितनी पुरानी शॉप है अपनी? 27 ईयर्स हो गए आपको। तो शुरू से आपने स्टार्टिंग किया था कि पहले आपने स्टार्ट किया था? तो दादा, ये तो जो मेन अब कुछ पतंगे जो मेन आप दिखा सकते हो, जैसे अब सीजन आने वाला है, अभी जमगढ़ पे उड़ते पतंगे मेरे ख्याल यहाँ पे, तो उसके लिए आपने स्पेशल सबसे मशहूर ये सरस्वती जी की पतंग देख सकते हैं? तैयार होने जाएगी ये दादा, बिल्कुल। तो ये पोना पतंग है मेरे ख्याल से, भाई पोना है ये। और ये एक यहाँ पे बनाता है भतीजा काइट मेकर, भतीजा काइट मेकर का ही भतीजा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अद्दी है मेरे ख्याल से, ये अद्दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, कुछ रेट बताना चाहेंगे या रेट का कुछ? सरस्वती जी की पतंग बहुत मुश्किल से बनती है, क्योंकि 85 साल की हो चुकी है। ओके, और 10-20 पतंगे बना के सिर्फ शौक करने के लिए हम लोग को देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम लोग बेचते नहीं। ओके ओके, वो एक रिस्पेक्ट मिलने की पतंग हमारे पास 30 रुपए का पाउंड है। ओके, और 25 रुपए की अद्दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको मिलेगा। और इसके अलावा कुछ स्पेशल स्टॉक जैसे लखनऊ के काफी कारीगर है? कारीगर है डीके, डीके राइट, डीके जी के मैंने पतंग उड़ाई है, डीके की भी वो अद्दी बनाते हैं मेरे ख्याल से, पौनी बनाते। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अभी सीजन के लिए, जैसे अब सीजन आने वाला जमगढ़ का, तो उसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी? तो छोटे छोटे बच्चे सब रंगीन पतंग ज्यादा मांगते हैं, मानदार हुई, लट्ठेदार हुई, जैसे ये हो गई सीजन के लोग, 5-6 रुपए की रेंज होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ज्यादा पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। बाकी मोस्टली आपके शौकीनों का ही जा सकते हो, शौक लखनऊ में मेन शौक ज्यादा यहाँ पे लखनऊ में, शौक बिल्कुल। और अगर हम स्टार्ट करते हैं मांझे की, स्टार्ट करते हैं मिनिमम अद्दी और पौनी कितने स्टार्ट आपके, अच्छी जो मैदान की जो अद्दी होती है और पौनी, जो अच्छी पतंग होती है 12 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और पौना 25-13 रुपए से पौना के। ओके बिल्कुल, तो वो जो आप कह रहे हैं मोस्टली लखनऊ का ज्यादा रहेगा आपके पास, लखनऊ का माल मिलता है कि आसपास बाहर के कारीगर भी रहते हैं आपके पास? नहीं, बाहर की भी रखते हैं, रखते हैं बाहर भी रखते हैं, काम ही काम। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम मांझे की बात करें, तो सबसे स्टार्टिंग रेंज क्या रहेगा मांझे का आपके पास? सबसे ज्यादा हम RDX का मांझा बेचते हैं, जो हमारे यहाँ पे हैं सलीम भाई हैं हमारे, सलीम भाई का RDX का मांझा ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सलीम भाई का ये RDX का मांझा है। और सबसे स्टार्टिंग जो मैदानों के लिए सबसे स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है अभी इस टाइम पे? 1800 से आपका स्टार्ट हो जाता है, 1800 हो जाता है, उसके बाद तो एक अलग रहता है थोड़ा सा। ब्रांडेड डोर आ जाती है, जैसे बार्टिनो है, ये भी हमारे सलीम भाई की डोर है, सलीम भाई थोड़ा सा डोर को पकड़ी, गुमनाम है ये भी, देखिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सब दोरे तो मैंने भी लड़ा रखी है सलीम भाई के, थोड़ा सा मिल जाता है। और दादा, एक थोड़ा सा अभी आजकल थोड़ा सा वो भी चल रहा है कि महंगाई को लेके भी आजकल बड़े, आप तो कुछ जानते हो पूरे लखनऊ का मोल, तो उसके लिए कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि जो चल रहा है वो सही होना चाहिए, मतलब लखनऊ के अंदर रेट सबके अलग अलग होते हैं कारीगर के? अब लड़ाने वाले तो ऊपर डिपेंड है, वो कितनी महंगी लेने चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के पास तो हर रेंज की डोर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बेचनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि जो मतलब अपने इंडिया में बढ़ी हुई है, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में बढ़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई के लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकारें करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा स्टॉक है, एकदम छेल की चरखी भी रखी हुई है, और अपना छतों के लिए भी जो डोर है सब मिल जाएगी यहाँ पे। देखिए पूरा स्टॉक, देखिए गुड्डू भैया का पूरा स्टॉक है, और अभी तो सीजन का टाइम आएगा तो और भी बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए फुल ऑन स्टॉक है यहाँ पे भैया के पास,
तुम्हारे भतीजे साहब आ चुके हैं जो सरस्वती, उनके बाबूलाल उस्ताद के नाती हैं। ये बाबूलाल उस्ताद जी के नाती जिनकी पतंग दिखाई थी अभी अभी, बिल्कुल बिल्कुल चंदन काइट मेकर। तो जनाब कहते हैं आप दौड़ गए पतंग, कब से काम कर रहे हैं आप? 15 साल से काम कर रहे हैं। तो अपना पतंग पतंग आप कुछ पतंगे दिखाइए अगर आपके यहाँ पे है तो। गोदाम में चले कोई बात नहीं, मेरा एक ट्रिप बना था तो सोचा जितना लोगों से मिल सके थोड़ा सा। सलीम भाई ने बहुत बढ़िया काम करवाया तो सलीम भाई का बिल्कुल 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 यहाँ पे भी और भी आ रहे कारीगर। तब तक मैं आपको पूरा स्टॉक दिखाते हैं, यहाँ पे फुल ऑन स्टॉक रखा हुआ है, 6 रील से लेके 12 रील सर्दियाँ सब रखी हुई है, टेपिंग रखी हुई है। और ये देखिए पूरा नीचे स्टॉक ही स्टॉक है, खाली चरखे भी रखे हुए हैं। तो ये हमारे गुड्डू भाई की शॉप है जो चौपटिया में है, और आप यहाँ पे आ सकते हैं कभी भी, जैसे अब सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। बाकी तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बहुत पुराने ही शॉप की तरह। तो ये सब उनका स्टॉक देखिए यहाँ पे, ये पूरी पतंगों का यहाँ पे रखा हुआ स्टॉक ये देखिए। बस एक छोटा सा टिप था, एक गो थ्रू था, चलिए ये देखिए। तो बात करते करते मैं गुड्डू भाई से बात करते हैं, तो सामने हमारे डीके काइट मेकर फ्रॉम लखनऊ, ये इनकी पतंग दिखा देखिए आपके सामने। डीके भैया की पतंग है। डीके भैया कैसे हैं आप? कैसे? ठीक ठाक। तो डीके भैया कितने साल से काम कर रहे हैं? हमें कम से कम 12 साल 12 साल हो गए। और आपकी पतंग की हो तो गुड्डू भैया के पास मिल जाएगी बिल्कुल? अच्छा, कोई यहाँ पे कानपुर के अंदर, मतलब लखनऊ के अंदर। और ये आपके पौने अगर बिल्कुल देखिए यहाँ पे, डीके भैया के पौने हैं यहाँ पे। तो लाइट में ले आते हैं थोड़े समी भाई, ये देखिए। तो डीके कह रहे हैं कि लखनऊ में आया तो बैक टू बैक सरप्राइज मिल रहे हैं, अभी एक और मिले, अभी डीके भैया भी मिले हमें यहाँ पे। तो गुड्डू भाई के शॉप पे आके ना सरप्राइज बहुत सारे मिले आपको। तो कारखाने में ही डीके भतीजा और 3-4 कारीगर हैं, अधिक है, सब बैठ के काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा, आप चले देखिए कैसे बना रहे, बनाते हुए भी दिखा देंगे आपको वीडियो। बिल्कुल चलिए, मैं बिल्कुल एक कारखाना भी दिखाता हूँ आपको। सल्लू को ले जाओ। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो गुड्डू भैया बता रहे थे कि जैसे डीके भाई का पूरा कारखाना है कि ये पूरा डीके भैया बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम पतंग जो बनाते हैं और बनाते हुए तुम्हें दिखा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो डीके भैया एक पतंग बना रहे हैं जैसे कमानी का। ओरिजिनल पतंग डीके की अगर आप पाएंगे तो सिर्फ गुड्डू भाई पास पाएंगे, गुड्डू के पास पाएंगे। वरना आप जो पतंग जो भी पाएंगे वो डुप्लीकेट पाएंगे। बिल्कुल। तो जनाब ये जो लगा रहा है ये लेई रहती है कि क्या रहती है? ये लेई होती है। लेई होती है तो फेविकल। ये हमारी मोहल्ले की उस डीके, मैं आपको एक पेवर, ये देखो पेवर डीके। बिल्कुल 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 ठीक, सिद्धार्थ डीके बिल्कुल गुड्डू भाई की मोहल्ले। तो देखिए भाई आपसे बात करते करते एक चीज बताइए, जो लोग कमानी ठड्डे का रहता है एक गैप रहता है 3 इंच ऊपर 3 इंच, इससे क्या डिफरेंस आता है पतंग? क्या डिफरेंस जो है, पतंग लड़ने में डिफरेंट होती है। ओके पतंग जो है ना कि ज्यादा अगर हमने काप चढ़ा दी तो उस पतंग में जो मकर हो जाती है, मकर आ जाएगी ठीक है। अगर हमने ज्यादा अगर उसको नीचे उतार दी तो उस पतंग की दौड़ जो होती है वो कम हो जाती है। ओके तो परफेक्ट हम रखते हैं 5 उंगुल, जो 5 उंगुल 5.5 उंगुल अगर हमने ये जैसे रख दिया, ये देखिए ठीक, अगर हमने ये रख दिया तो इसकी दौड़ और उड़ान सही रहेगी, तो मकर भी कंट्रोल रहेगी, मतलब कंट्रोल में रहेगी, तो वो जो है एकदम परफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। डीके भाई कोई भी है उसमें जो डिफरेंट नहीं होती है। बिल्कुल। और जैसे डीके भाई ने बताया कि इनकी पतंग ओनली ओनली मिलती है हमारे गुड्डू भैया के पास, जो गुड्डू भैया की शॉप चौपटिया में है, राइट? चौपटिया ही बोलते हैं इसको, चौपटिया बारादरी। बिल्कुल बिल्कुल, चौपटिया बारादरी में ना हमारे पास 7 साल से काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। तो जो है ना हमारी अगर कोई पतंग अगर पाओगे, अगर कहीं और दुकान से पाओगे, किसी दुकान से अगर पाते हो आप, ओके, अगर गुड्डू भाई से अगर नहीं ले गया तो डुप्लीकेट मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप कहते हैं कि इनके पास ही ज्यादा हाँ, क्योंकि हम इन्हीं की दुकान में इन्हीं का कारखाना है। बिल्कुल। 7 साल से जो है ना हम इन्हीं के पास, 7-8 साल ये पूरा कारखाना इन्हीं का ही है, पूरा कारखाना इन्हीं का। अंदर भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे अंदर भी चलते हैं, ये गुड्डू भैया का पूरा कारखाना, सब पतंगे यहीं बन रही है, पतंगे सब बैग लगे हैं, सब ये पतंगे सब, ये देखिए क्वालिटी सब लगी है, ये देखिए यहाँ सारी क्वालिटियां हैं, ये खाली बैग है यहाँ पे, तो हर चीज अवेलेबल है। काफी बड़े लेवल पे स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पे, काफी बड़े लेवल देखिए, पूरे बैग रखे हुए हैं गुड्डू भैया ने, और ये कमान खड्डे रखे हुए हैं। हाँ, तो कमान खड्डे आपके कहाँ से, आप बाहर से आते हैं? तुलसीपुर से। तुलसीपुर से आते हैं। बिल्कुल। तुलसीपुर से जो है ना ये सारे कमान खड्डे जो है ना तुलसीपुर से मंगवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से थोक में जो है ना वहाँ मंगवा लेते हैं, वहाँ से ये हमारा काम चलता है। बिल्कुल 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 ठीक है ना गुड्डू भैया, क्या बात है। और भी आपको क्वालिटी अगर चाहो तो और भी हम तुमको क्वालिटी, ये हमारा देखो पूरा कागज लगा हुआ है, ये हमारा कागज है। कौन सा कागज यूज करेंगे? यही यूज कर रहे हैं। ओके दादा, मतलब एक चीज और पूछिए, जो ये कमान ये खड्डा चेक करते हैं, मतलब जैसे आप खड्डा चेक करते हैं, जैसे खड्डा ये चेक किया जाता है, एक खड्डा भी और फिर कमान को भी चेक करते हैं, कमान को हाँ,
जैसे ये कमान हो गए, ये इसमें क्या चेक करते हैं, मतलब क्या हम लोग इसको बैलेंस देखते हैं। बैलेंस देखने के लिए क्या करना पड़ता है? बैलेंस करने के लिए हम ये चीज देखते हैं कि ये बराबर ये झुक रहे कि नहीं झुक रहे। ओके, अगर जैसा 19-20 होता है, जैसे हमें लगा कि हल्को 19-20 हो गया, तो इसके बाद हम हल्की सी इसको छिलाई कर देंगे। ओके, हाँ, करने का तो, और एक काफ लगाने का तरीका भी, काफ जैसे हम पतंग घूमती है तो काफ भी इस तरीके से हम लगा थोड़ा सा करते हैं। हाँ, काफ भी जो है हमें घुमा के दो बैलू होते हैं ना साथ में, जैसे ये काफ हो गई ठीक, एक बैलू ये होता है एक बैलू ये होता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इस बैलू पर काफ जो है लगानी पड़ती, इससे जो बैलेंस आता है वो जान आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात होती है कि पतंग, अब क्या बताए तुमको, पतंग जैसे एक औरत नहीं होती है उसी तरह से इसको सजानी पड़ती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोली कि इस पर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पूरी मेहनत करनी, पूरा श्रृंगार होता है इसके ऊपर, पूरा श्रृंगार होता है। जैसे एक औरत श्रृंगार करती है वैसे पतंग का श्रृंगार, अगर एक चीज अगर इसमें छूट गया तो ये खराब, मतलब उसकी शो खराब हो जाएगी। जैसे औरत का अगर एक चीज भी छूट गया ना तो मतलब उसकी खूबसूरती खराब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली है। यहाँ पे तो ये सब पतंगे यहाँ पे रखी हुई, डीके भाई से मिलना हुआ, ये हमारे चाचा के लड़के हैं, सरस्वती चाचा है। हाँ जी, ये उनके लड़के। क्या बात है, तो मिलके बहुत अच्छा लगा सर। आपका नाम? तो राजेश। ओके, तो मैंने पतंग देखी अभी सरस्वती जी की, पतंगे देखी है। ये भी पतंग बहुत बढ़िया, मतलब कहते नहीं कि अब हम क्या बताएं कि अच्छी पतंग बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए गुड्डू भाई के आने के बाद फायदा होगा। ये गुड्डू भाई की तुमको सही बता दे, गुड्डू भाई शॉप में जितनी पतंगे अच्छे से अच्छे कारीगर है पूरे नखलाओ के अंदर, अच्छे कारीगर सब गुड्डू भाई के पास। क्या बात है, क्या बात है। एक बार से ब्लेस टू कम हियर, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये देखिए पतंगे आई है, ये वाली ये आई है अभी, ये तैयार पत्ता पत्ता इसका अभी। अब इसमें हम मोहर दिखा नहीं सकते हैं, इसमें मोहर भी लगी है, ये देखिए लगी तो ये। राइट 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 राइट, ठीक है दादाजी, ये तो हो गया। बहुत बढ़िया लगा देख के, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।